आज का दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। उनके जयंती को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्हें सरदार पटेल भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो आज थोड़ा सा मैं तुमको इसी के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि हम उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं और उन्हें लौह पुरुष या सरदार पटेल क्यों कहते हैं। उनका जन्मदिन 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड़ में हुआ था। ठीक है, साधारण किसान परिवार के व्यक्ति थे। तो एक साधारण किसान असाधारण रूप से पूरे भारतीय राजनीति में एक नई दिशा उसको दिया है। उनका जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद हमारा जो देश है बहुत छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। लगभग 500 से ऊपर, 507 565 के आसपास रियासत थे। उन सभी रियासतों को भारत में जोड़ना, क्योंकि सभी स्वतंत्र थे, अगर हमारा देश ऐसे ही छोटे छोटे भागों में बटा हुआ रहता तो फिर से हमारा देश वही गुलामी की ओर बढ़ जाता। तो सारे देश के इन रियासतों को एक सूत्र में पिरोना, क्योंकि आपको मालूम है कि जब तक हम एक हैं तब हम एक महासागर की तरह हैं, और यदि एक बूंद है मतलब एक व्यक्तिगत रूप से रहेंगे तो एक जल की बूंद की तरह हैं। इसलिए बिना किसी जंग के, बिना किसी लड़ाई के उन्होंने पूरे 565 रियासतों को भारत में जोड़ा था, और आज हमारा देश जो पहले विश्व गुरु कहलाता था उसी दिशा में फिर बढ़ रहा है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में जो कार्य किया था उसके कारण ही उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो खेड़ा आंदोलन हुआ था और बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, दो आंदोलनों को उन्होंने बहुत प्रमुखता के साथ लड़ाई लड़ी थी और उन्हें उनको सफलता मिली थी, जिसके कारण उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा वो महात्मा गांधी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उनके लगभग लगभग सभी आंदोलनों में वो भाग लिए थे, जैसे असहयोग आंदोलन, जैसे भारत छोड़ो, लोहे के समान वज्र के समान। तो उनके जो भी निर्णय होते थे वो बहुत ही ठोस और देश के हित के लिए होते थे। वो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे, वही देश के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, जो कांग्रेस की सबसे पहली पसंद वही थे, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर एक बार में ही उन्होंने उस पद को त्याग दिया था। एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ, एक किसान अपने चार बेटों को जब वो मरने की स्थिति में था अपने पास बुलाता है और लकड़ी की एक गठरी देता है और उसको बोलता है इसको तोड़ दो। तो वो चारों लड़के उसको तोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन एक एक लकड़ी जब उनको दिया जाता है तो हर कोई उसको बड़े आसानी से तोड़ देता है। तो यही वो चाहते थे कि जब तक देश में ये छोटे छोटे रियासत अलग हैं, जब तक देश एकजुट नहीं है तो कोई भी आकर के उसको तोड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने सारे देश के जितने रियासतों को सबको भारत में जोड़ दिया और पूरे राष्ट्र को एक कर दिया। लौह पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी, आवाज में सिंह सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी। एकता का स्वरूप जो उसने रचा, देश का मानचित्र पल भर में बदला। गरीबों का सरदार था वो, दुश्मनों के लिए लोहा था वो। आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया, बनकर गांधी का अहिंसा का शस्त्र, महकता गया विश्व में जैसे कोई ब्रह्मास्त्र। इतिहास के गलियारे में खोजते हैं जिसे, ऐसे सरदार पटेल अब न मिलते पूरे विश्व में।